हे गाइस, वेलकम बैक। सो वी आर मेकिंग चीज़ बर्स सैंडविच टुडे, एंड इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी वाइट सॉस, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं सैंडविच पे। तो मैंने ले लिया एक पैन, उसमें डाल देंगे हम बटर 1 टेबल स्पून, उसको मेल्ट होने देंगे। देन हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर, अच्छे से सॉटे करके डाल देंगे हम 1 कप ऑफ मिल्क, एंड मिल्क को थिक होने देंगे, मेक श्योर कि लम्स फॉर्म ना हो। देन डाल देंगे हम उसके अंदर ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट एज पर टेस्ट, एंड 1 स्लाइस ऑफ चीज़। जब ये थिक हो जाए तो हम इसको अलग से रख देंगे ठंडा होने के लिए। देन हम लेंगे एक बाउल, उसमें डालेंगे 2 स्पून्स ऑफ मेयो एंड 1 स्पून ऑफ टमेटो केचप, अच्छे से मिक्स करके डालेंगे हम छोटे छोटे पनीर के क्यूब्स, एंड आप सॉल्ट भी डाल सकते हो अगर डालना चाहो एज पर टेस्ट, एंड कोरिएंडर लीव्स। और ये स्टफिंग हमारी रेडी हो गई, एंड अब स्वाइप कर लो। उसके बाद ले लेंगे हम एक ब्रेड स्लाइस, मैंने ये सैंडविच ब्रेड लिया और उस पर लगा दिया मैंने बटर, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, एंड देन लगा देंगे हम एक चीज़ स्लाइस और वो स्टफिंग जो हमने रेडी करी थी, एंड देन हम डाल देंगे उसके ऊपर मोज़रेला चीज़, एंड दूसरी स्लाइस से कवर करके हम डाल देंगे उसके ऊपर वो जो सॉस हमने बनाई थी वाइट वाली, मेक श्योर कि अच्छे से स्प्रेड हो जाए वो सॉस, एंड देन उसके ऊपर डाल देंगे हम फिर से एक लेयर ऑफ चीज़ मोज़रेला अगेन, एंड देन अगेन फिर से डाल देंगे उसके ऊपर वो सॉस की लेयर। कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप एक लेयर के बाद भी बेक कर सकते हो। तो फिर से वो वाइट सॉस वाले लेयर डालने के बाद हम कर देंगे इसको बेक एट 180 डिग्री फॉर 10 मिनट्स अंटिल चीज़ मेल्ट्स। बट उससे पहले ओरिगैनो एंड चिली फ्लेक्स भी डाल लेना, एंड जिसके पास ओवन नहीं है वो तवे पे भी कर सकता है, ढक के फॉर 10 मिनट्स, एंड इट्स रेडी।